हेलो बच्चों, हम लोग चैप्टर 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पढ़ रहे थे, है ना? याद है? तो हम लोगों ने उदारीकरण पर बात की है और निजीकरण पर बात कर चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे वैश्वीकरण की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण में ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल भूमंडलीकरण, सार्वभौमिक। ठीक है, तो वैश्वीकरण क्या होता है? वैसे तो ये उदारीकरण का ही विशाल रूप है, बड़ा रूप है। जो उदारीकरण हमने पढ़ा था, लिबरलाइजेशन, उसी का ये ग्लोबलाइजेशन बड़ा रूप है, विशाल रूप है। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है, वैश्वीकरण में देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ, मतलब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाता है, एकीकृत कर दिया जाता है या मिला दिया जाता है, उसको कहते हैं वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। है ना? ये तो सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है ना? तो सारे बाजार को, संपूर्ण विश्व के बाजार को एक कर दिया जाता है, आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उसको कहते हैं वैश्वीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, अब देखते हैं कि वैश्वीकरण में किन किन बातों को शामिल किया जाता है, किन किन बातों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसकी देखो परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे वैश्वीकरण की परिभाषा क्या है और इसमें किन किन बातों को शामिल किया जाता है, और इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि सरकार ने वैश्वीकरण के लिए क्या क्या उपाय अपनाए, क्या क्या उपाय किए। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से तो गवर्नमेंट ने जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स पर जो है, या जो विदेशी निवेशक थे, उन पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। ऐसे नहीं कि कोई भी आया और फिर अपना जो है यहां पर कंपनीज जो है सेटअप कर लिया या यहाँ जो है पूंजी लगाई, क्योंकि पहले ऐसा ही हुआ था ना, एक बार ऐसा धोखा खा चुके थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था कि बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे। ठीक है ना? तो इसी के ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे प्रशुल्क जो है लगाए, टैरिफ, कोटा। ठीक है ना? तो देखते हैं अब कि सरकार ने वैश्वीकरण की में जो है किन किन चीजों को शामिल किया, किन किन चीजों में छूट दी, ढिलाई बरती, जिससे कि कोई भी मतलब विदेशी इन्वेस्टर्स आए और भारत में अपना अपनी पूंजी लगाए। ठीक है ना? यहाँ पर अपने उद्योग लगाए। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा हम लोग। वैश्वीकरण क्या है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है, ताकि क्या हो कि संपूर्ण विश्व में पूंजी, तकनीकी, संचार आदि का आवागमन जो है आसान हो जाए, सुलभ हो जाए। ठीक है, और संपूर्ण विश्व एक ही बाजार के रूप में कार्य कर सके। ठीक है, समझ गए? वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है, ताकि संपूर्ण विश्व जो है पूंजी, तकनीक, संचार में जो है आवागमन आसान हो जाए, सुलभ हो जाए, और सारा विश्व जो है एक बाजार के रूप में कार्य कर सके। ये कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें किन किन बातों को सम्मिलित किया गया? देखिए, अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोलना, समझ गए? क्या किया? पहले तो बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि बाहर का कोई भी आकर के अपनी कंपनीज को जो है भारत में नहीं खोल सकता था, पूंजी नहीं लगा सकता था। ठीक है ना? इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं था, बहुत सारे प्रतिबंध लगे थे, टैरिफ था, कोटा लगा दिया था। लेकिन अब क्या हुआ, वैश्वीकरण में विदेशी निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था खोल दिया कि अब जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है भारत आए और पूंजी को लगाएं।
अपने उद्योग धंधे यहाँ पर भी खोले। ठीक, नियंत्रण को धीरे धीरे कम करा, तो जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे उस समय, ठीक है ना, जितने भी प्रतिबंध जो है उनको धीरे 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 शिथिल करना या खत्म करना शुरू कर दिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश सुविधाएं प्रदान करना, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, कंपनीज थी, उनमें जो है निवेश करने की, इन्वेस्ट करने की सुविधाएं उनको देना। मात्रात्मक प्रतिबंधों को धीरे धीरे समाप्त। मात्रात्मक प्रतिबंध मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस थे कि इतना ही कर सकते हो, या हम आयात इतना ही कर सकते हैं। देश पर भी तो प्रतिबंध लगे हुए थे कि उन आयात के लिए भी एक जो है कोटा निर्धारित करते थे कि इतना ही इम्पोर्ट हम कर सकते हैं, तो उसको भी जो है समाप्त कर दिया धीरे धीरे करके, वो रेस्ट्रिक्शंस भी समाप्त कर दिया। अब आयात उदारीकरण कार्यक्रमों को व्यापक आधार पर लागू करना, और निर्यात संवर्धन को, यहाँ निर्यात संवर्धन को, ठीक है ना, ये हुआ निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, आयात इम्पोर्ट। तो क्या हुआ कि आयात जो चीजें देश में जिनका उत्पादन करना संभव नहीं है, या संभव है तो कॉस्टली हमें पड़ रहा है, ठीक है ना, तो उनको हम बाहर से मंगा तो सकते हैं, ठीक है ना, उसको बाहर से उसको मंगा सकते हैं बाहर से, लेकिन ऐसा नहीं कि हम एक्सपोर्ट कुछ भी ना करें। मतलब आयात को अगर उदार बना दिया, ठीक है ना, तो निर्यात बढ़ाने पर भी जोर दिया गया कि एक्सपोर्ट, तभी तो बीओबी जो है वो भुगतान संतुलन जो शीट है, तभी तो जो ट्रांजेक्शन जो होता है कि कितना आयात हुआ, कितना निर्यात हुआ, कितना पैसा मतलब बाहर गया, कितना पैसा बाहर से आया, वो भी जो है उसका हिसाब किताब भी सही रहे। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ इम्पोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ का पैसा तो बाहर भेज रहे हैं लेकिन बाहर की करेंसी यहाँ नहीं आ पा रही है, एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी जो है भुगतान संतुलन गड़बड़ा जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों को ही, मतलब इम्पोर्ट अगर करने की आवश्यकता जिस चीज को है तो वो इम्पोर्ट करें, लेकिन उसके साथ ही एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देने को का प्रोत्साहन दिया, ठीक है ना। तो ये था हमारा वैश्वीकरण क्या होता है और इसमें किन किन बातों को शामिल किया गया है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करो बच्चों, और इसके बाद तुरंत हम लोग देखते हैं कि सरकार ने वैश्वीकरण के लिए क्या क्या उपाय अपनाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि वैश्वीकरण के लिए सरकार ने जो है क्या क्या उपाय अपनाए हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले है नंबर एक, विदेशी पूंजी निवेश की साम्य सीमा में वृद्धि। पहले क्या था, ये जो विदेशी जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो 40% तक का जो है, पहले उसकी क्या थी कि 40% तक जो है अपना निवेश कर सकते थे। अब सरकार ने क्या करा भाई, जब तक लाभ नहीं होगा किसी को, या ये नहीं होगा कि इससे हमको इतना जो है प्रॉफिट है, तब तक वो अपना इन्वेस्ट क्यों करेंगे। तो इन्वेस्टर्स जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे भारत में अपना, अपने उद्योग लगाने में या अपने पूंजी को इन्वेस्ट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि उन्होंने, सरकार ने जो है कितना 40% उनकी सीमा बांध ली थी कि वो जो है सिर्फ 40% अपना पैसा जो है अपनी करेंसी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, वो 40% से बढ़ाकर उसको क्या कर दिया, 51% से लेकर के 100% तक का कर दिया कि आप अपने यूनिट को जो है या अपनी कंपनी को लगा सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं और उसमें पूरा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब उसमें क्या है, बाहर की कंपनीज ने जो है इंटरेस्ट दिखाया और यहां आकर के अपने उद्योग को स्थापित किया, ठीक है। इससे क्या हुआ भाई, जब वहां की वो अपना पैसा लेकर के आए, करेंसी लेकर के आए, डॉलर या पौंड, और फिर जो है उन्होंने यहां पर उसको कन्वर्ट किया रुपए से, तब जो है रुपए की वैल्यू बढ़ी, ठीक है ना। तो जब कोई प्रॉफिट दिखेगा तभी तो इन्वेस्टर्स जो है अपना पैसा दिखाने में रुचि दिखाएंगे, ठीक है ना।
और विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम, जो विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम था फेरा, FERA फेरा, इसकी जगह पर क्या करा, फेरा की जगह पर फेमा लागू कर दिया गया, ठीक है ना। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम जो फेरा था पहले, उसकी जगह पर फेमा लागू कर दिया। दूसरा है आंशिक परिवर्तनशीलता, आंशिक थोड़ी, भारतीय रुपए को आंशिक परिवर्तनशील बना दिया, ठीक है ना। लेकिन ये जो है जो पूंजीगत सौदे थे, ठीक है ना, उस पर ये लागू नहीं था। अब तीसरा दीर्घकालीन व्यापार नीति, व्यापार नीति को दीर्घकाल के लिए, दीर्घकाल मतलब 5 साल के लिए, ठीक है ना, 5 साल के लिए लागू किया। और इस पर जो व्यापार में जो है जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगे थे, जितने भी प्रतिबंध लगे थे, उन सबको हटा दिया गया और खुली प्रतियोगिता को, इससे क्या है, खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिला। पहले क्या था, देश में अपने ही देश में उत्पादन कर लो, जितनी खुद को आवश्यकता है, देश में आवश्यकता है, उतना ही उत्पादन कर लो, बस उतना ही प्रोडक्शन कर लो, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी में ना क्वालिटी आ रही थी और ना क्वांटिटी ही बढ़ रही थी, इन दोनों ही चीजों का अभाव था। क्यों? क्योंकि ये पहले इतना सोचा ही नहीं था कि अगर क्वांटिटी बढ़ाएंगे और क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे बाहर, ठीक है ना, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ये दिमाग ही नहीं लगाया उस समय। तो इसी से जो है जो जो क्राइसिस आई थी वो इन्हीं सब वजहों की वजह से आई थी, इन्हीं कारणों की वजह से आई थी, क्योंकि ये सोचा ही नहीं, जितना वस्त्र उत्पादन है उतना ही गुड्स और सर्विसेज का जो है कर लिया देश में, बस हो गया पर्याप्त। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ही नहीं थे। जब कॉम्पिटिटर्स आते हैं किसी भी चीज में, चाहे वो व्यापार में हो या किसी भी चीज में हो, तभी जो है वो चीज तरक्की करती है। अब व्यापार में कॉम्पिटिटर्स ही नहीं थे, ठीक है ना, बस देश जो भी होता था देश के अंदर हो गया, देश के लिए पर्याप्त हो गया, देश की लोगों को जितना चाहिए, जिस चीज की देश में डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो गई, उत्पादन उतना ही हो गया, बस दैट्स ऑल, सारा काम खत्म, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि अब बाहर से कंपनीज आए और उसमें जो है जब देखा कि उतने ही पैसों में उतने ही समय में हमारे यहां, मान लीजिए हम किसी भी चीज का 100 यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं और उसी चीज का दूसरे लोग जो है जो बाहर से आए हैं वो उतने ही समय में उतने ही पूंजी में उससे ज्यादा अच्छा, उससे ज्यादा अच्छी गुणवत्ता का जो है और ज्यादा यूनिट का जो है प्रोडक्शन हो रहा है, तब जाकर की समझ में बात आई, ठीक है ना, कि जब कंपटीशन ही नहीं होगा किसी चीज में तो देश कैसे तरक्की करेगा। तो इसलिए खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया। अब चौथा क्या है, प्रशुल्कों में कमी। प्रशुल्क कहते हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो शुल्क लगाया जाता है उसको प्रशुल्क कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे हम बाहर से कोई चीज मंगा रहे हैं तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है, और हम जो चीज बाहर भेज रहे हैं मतलब जो निर्यात कर रहे हैं उस पर जो टैक्स लगाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रशुल्क। तो इस आयात निर्यात के जो शुल्क थे उसको भी धीरे धीरे कम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस पर टैक्स लगेगा तो चीजें महंगी होंगी, टैक्स लगेगा तो चीजें महंगी होंगी, ठीक है ना। और आयातों पर तो इसलिए भी टैक्स लगा क्योंकि भाई नहीं तो फिर जिस चीज की आवश्यकता हुई बाहर से मंगा लिया, जिस चीज की आवश्यकता हुई बाहर से मंगा लिया, ठीक है ना। और निर्यात पर जो शुल्क लगता था वो शुल्क लगने की वजह से उत्पादक जो है बचने लगे थे। क्यों? क्योंकि फिर वो कॉस्टली पड़ रही थी चीज, ठीक है ना। तो धीरे धीरे कर इसमें जो है आयात निर्यात शुल्क में जो है कटौती की गई और धीरे धीरे इनको जो है कम और कम किया जा रहा। क्या होता है कि जब बाहर की करेंसी आएगी नहीं तो अंतर प्रवाह नहीं बना रहेगा पैसे का। अब जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इसको देखने जब फॉरेनर्स आते हैं तो बाहर का पैसा अपने साथ में लाते हैं, तो इससे क्या होता है कि देश को लाभ होता है, इससे जीडीपी बढ़ती है, वो भी इंक्रीज होती है, ताजमहल देखने लोग आते हैं,
और जो इतने सारे जो ये अभियान जो देश के अंदर चलते हैं, ठीक है ना, इससे भी फायदा होता है देश को। अब क्या है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 का जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो क्या हुआ, एक बाहर प्रापण होता है, आउटसोर्सिंग जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है भारत जो है विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर जो है सबसे अच्छा उभर करके आया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है जो बाहर की कंपनीज को जो काम कराने होते थे, जैसे कि कंप्यूटर का कार्य हुआ या जो है उसका, तो वो जो है भारत की कुशल श्रम शक्ति जो है, क्योंकि भारत के लोग उसको कुशलता से कर देते थे, ज्यादा कुशलता से कर देते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ काफी है, तो बढ़ी हुई पॉपुलेशन के हिसाब से सबके पास कार्य नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से, अनएम्प्लॉय होने की वजह से यहाँ कुशल श्रम शक्ति उन्हें कम पैसों में मिल जाती है। तो बाहर की जो कंपनीज है वो भारत के लोगों से, ठीक है ना, कार्य करा लेती है कुशलता से और कम पैसों में, क्योंकि यहां पर जो है श्रमिक कम पैसों पर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा फायदा ये भी हुआ था, ठीक है ना, निम्न दरों में, और बाहर उनका भी फायदा क्योंकि अब बाजार तो एक हो गया है, ठीक है ना। तो आउटसोर्सिंग से जो है भारत विश्व स्तरीय जो है, क्योंकि भाई पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रही सरकार आज की स्थिति में भी, आज की डेट में भी नहीं करवा पा रही है। तो बाहर की कंपनीज जो है काम करा लेती है, तो भारत में प्रतिभाएं तो है ही, तो कुशलता से कार्य कर देते हैं और कम पैसों में भी काम उनका हो जाता है, ठीक है ना। और कई भारतीय संस्थाएं जो है विदेशों में व्यापार जमाने लगी हैं, किसकी वजह से, वैश्वीकरण की वजह से, वैश्वीकरण के चलते ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है ना। कई भारतीय संस्थाएं विदेशों में भी जो है व्यापार जमाने, जैसे ONGC है, ये तेल और जो है गैस की खोज करती है, ये सार्वजनिक उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, ठीक है, और 16 देशों में इसकी परियोजनाएं चल रही हैं। तो ये देखिए पूरा विश्व एक मार्केट हो गया ना। टाटा स्टील है, ये प्राइवेट कंपनी है जो विश्व के मतलब पूरे वर्ल्ड के 26 देशों में कार्यरत है। तो देखिए ये किसकी वजह से हुआ मुमकिन, वैश्वीकरण की वजह से, भूमंडलीकरण की वजह से, ठीक है, कि सारा जो है विश्व को एक बाजार कर दिया, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3 अर्थशास्त्र का, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य कर दें, शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि हर अपडेट्स आपको मिलता रहे। बच्चों सब्सक्राइब अवश्य कर दें चैनल को, ठीक है। तो जल्दी फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक टेक केयर।